सकते, तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये व्यापार ऐसा व्यापार है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और रोशनी, ये हमारे जीवन के सबसे मूलभूत चीजें हैं जो हमेशा यूज होने वाली चीजें, तो ये व्यापार आपका कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो ये जो मैं आज आपको आइटम बताने वाला हूँ, जो मशीनरी बताने वाला हूँ, ये है एलईडी बल्ब के रिगार्डिंग, कि आप एलईडी बल्ब का अगर कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे वो आप नॉन गारंटी का हो या नॉन गारंटी वाला आइटम में, जैसे कि डीओबी वाला बल्ब हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का, ये ड्राइवर वाला कोई भी बल्ब आप गारंटी में काम करते, तो ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो आप मात्र 1000 रुपए से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप 1000 रुपए का भी मटेरियल लेके आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। छोटा सा आप एक व्यापार चलाना चाहते हैं तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया सुनहरा अवसर है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस व्यापार की इतनी डिमांड होने वाली है कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स जो आने वाले, जो हमारी एनर्जी को सेविंग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा क्राइसिस है, तो उसको देखते हुए ये चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाली। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसको जो बनाने में आपको मशीन लगने वाली है, तो वो सिर्फ ये 2 मशीनें हैं, ये एक तो हमारी होती है टिक्की फिटिंग मशीन और एक ये कैप पंचिंग मशीन, तो इन 2 मशीन की मदद से आप अपने एलईडी बल्ब के व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। ये अगर कोई भाई नहीं चाहता कि वो पहले मशीनरी परचेज करे, तो रेडी प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है, और ऐसा नहीं कि उसमें आप कोई ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, आप 100-100 पीस, 50-50 पीस से भी अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सारा ओवरऑल कि आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, क्या क्या इसके चीज होती है, ये सारी चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं दिखाता हूं आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें यूज होने वाले, क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज होने वाली मशीन है कितनी, मैंने आपको पास से दिखाया कि आपकी समझ आ सके। तो ये जो मशीन है, ये हमारा जो B22 होल्डर होता है बल्ब में जो लगा होता है, ये वाला जो B22 होल्डर है, इसको पंच करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पंच जो हुआ है बाई पिन, कि ये पिन जो इसमें होती है, इन पिनों से आप इसको पंच करते हैं, तो ये पिन इसमें आप लगाने के बाद जो है इस तरीके से लगता है, और इसको आप फिर ऐसे घुमा के पंच कर देते हैं। ये जो यहाँ पे नट की जगह है, इसको नट को आप कहीं भी टाइट कर देते हैं। और ये जो हमारी हो जाती है टिक्की प्रेसिंग मशीन, जो टिक्की प्रेस जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो प्लेट लगी होती है उसको प्रेस करते हैं इस तरीके से, हम इसको आगे की तरफ करते हैं, तो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे कि थोड़ा आगे की तरफ निकलता है, तो इससे क्या होती है कि हमारी जो टिकली है वो प्रॉपर दब जाती है। तो ये 2 मशीन इसमें आप यूज होने वाली, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मशीनरी है जो इसमें यूज होने वाली। मैं इससे आपको बताऊंगा भी कि आप बल्ब को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे काफ़ी डेकोरेटिव्स आइटम भी हो जाते हैं, अल्फा डीओबी है, काफ़ी टाइप्स का जो ये मटेरियल होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके के अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं। तो ये सारी डिटेल आपको हमारे और काफ़ी वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं ये देख सकते हैं आप, डेकोरेटिव्स आइटम्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलईडी बल्ब का स्टॉक्स है, ये हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं रेडी बल्ब रखे हुए नॉन गारंटी वाला, तो काफ़ी टाइप्स के मटेरियल आपको मिल जाते हैं। जैसे मटेरियल यहाँ पे पैक हुआ रखा है, जिन भाइयों के लिए ऑर्डर है उनके लिए रेडी पैक हुआ रखा है। इधर आप देखेंगे कि जो पैकिंग बॉक्स होते हैं हमारे, वो पैकिंग बॉक्स है। इसके बाद यहाँ स्टॉक रखा हुआ है चीजों का, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे इधर जो रेडी प्रोडक्ट करके यहाँ पे रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप्स के जो मटेरियल है, ये हमारा जो सिस्का टाइप का होता है, कैंडल लाइट से काफी तरीका का यहाँ पे आइटम्स आपको मिल जाता है। जो आइटम्स है कि बिजनेस स्टार्टअप के लिए आप क्या क्या आइटम ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं। जो जो चीजें यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि बिना गारंटी वाला डीओबी बल्ब होता है जो 10-11 रुपए का आइटम होता है, जो 100 के 4 बिचते 25 रुपए का है, ये आइटम आपको 11-11.5 रुपए में मिल जाता है। ये बल्क क्वांटिटी होती है तो और भी प्राइस नेगोशिएशन है, स्लाइटली नेगोशिएबल है। काफी चीजें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राइवर की क्या वर्किंग होती है, कैसे इसको बनाया जाता है। इसके बाद सिंगल सिंगल पीस की यहाँ पे टेस्टिंग, कोई टचअप या कोई ऐसा सोल्डरिंग पॉइंट रह जाता है जिसको नहीं रीटेक लिया जाता है, तो ये पूरा पर यहाँ पर टेस्टिंग करके एक एक पीस को निकाला जाता है। तो सारी की सारी चीजें आपको, जो भी आप क्वालिटी में लेना चाहते हैं, जो भी मटेरियल आप परचेज करना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बहुत ही सही टाइम है कि आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जो अभी दीपावली के फेस्टिवल या काफी फेस्टिवल अभी आने वाले, तो फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो इस टाइम पे जो आपका मुनाफा है या इनकम है वो आप काफी अच्छी जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना व्यापार में भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कैसा व्यापार है, कि हमेशा चलने वाला व्यापार है, कभी रुकने वाला व्यापार नहीं है। इसमें जो आपका मटेरियल है वो ऐसी चीज होती है
ये हमेशा बिचता ही बिचता है। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टॉक रहने वाला बिचेगा नहीं, ये सारा का सारा मटेरियल ऐसा होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सेल के पर्पज से होता है कि जिससे आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सके। और बात रही क्वालिटी की, तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि जो पीसीबी होती है इसकी क्या थिकनेस है, क्या क्वालिटी है जो यहाँ पे रखा हुआ है। मटेरियल आप देख सकते हैं सारा का सारा काफी अच्छी क्वालिटी का है मटेरियल, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग करीते ये 7-in-1 सात कलर चेंज करने वाली डीओबी होती है। नॉर्मल यहाँ पे रखी हुई डीओबी है, 10 LED की डीओबी है, ये आपकी 12 वाट की डीओबी। तो सभी टाइप का यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिल जाता है काफी अच्छी क्वालिटी में। 12 वाट की डीओबी, 9 वाट की अल्फा डीओबी, ये सारा का सारा जो मटेरियल है, ड्राइवर है, ये यहाँ पे सारे के सारे रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मटेरियल है ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। और ये जो मशीन है ये हमारी लेजर पे प्रिंट मशीन है, इससे आप किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे आप अगर बल्ब है, बल्ब के रॉ मटेरियल पे, जो हाउसिंग होती है, ये किसी भी आइटम पे आप इससे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रांड में भी कि आप नया सेटअप कर रहे, सोचते कि आप कम क्वांटिटी में अपने ब्रांड में कोई बल्ब बनाना चाहते, तो इससे इस मशीन की मदद से आप कम से भी कम पीस पे अपनी ब्रांडिंग करा सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ब्रांडिंग करती है मशीन, और ये बहुत ही अच्छी मशीन है। इससे आप ना कि बल्ब पे, किसी भी आइटम पे आप इससे प्रिंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रिंटिंग मशीन है किस प्रकार यहाँ पे प्रिंटिंग कर रही है। तो ये लेजर प्रिंटिंग मशीन जो है, यहाँ आप देखेंगे कि इस पे क्या प्रोग्रामिंग दी हुई है, ये सारा का सारा उसी हिसाब से यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं कि अब ये किस जिस भी नाम से आप ब्रांडिंग चाहते हैं उस नाम से ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, बहुत ही अफोर्डेबल। उधर अगर ये आप डेकोरेटिव में कुछ डील करना चाहते हैं, ब्लूटूथ बल्ब हो गया, या फैन बल्ब में हो गया, या फुटबॉल बल्ब, ये आपको कई तरीका के, कई वैरायटी के डेकोरेटिव आइटम भी मिल जाते हैं यहाँ पर।